नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पोस्तू पनीर बनाएंगे। इसके लिए देखिए 150 ग्राम पनीर लिए हैं दोस्तों। आप अपना पनीर अपने अनुसार से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दो प्याज लिए हैं, देखिए ऐसे हम महीन महीन काट लिए हैं। दो टमाटर लिए हैं, इसे भी हम काट लिए हैं रफली। तीन हरी मिर्च लिए हैं, आप हरी मिर्च की जगह पर लाल मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन आज हम लाल मिर्च से ही बना रहे हैं। देखिए मसाला में हम एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा गोल मिर्च का पाउडर लिए हैं और देखिए 10 से 15 पीस काजू लिए हैं, इसे हम पानी में भिगो दिए हैं। एक फुट लहसुन और एक इंच अदरक लिए हैं, इसे भी हम छील कर धो लिए हैं। देखिए एक बड़ा चम्मच पोस्तू लिए हैं। पोस्तू, लहसुन और काजू को हम एक साथ मिक्सी में पीस लेंगे और टमाटर और हरी मिर्च को भी पीस लेंगे और प्याज को हम नहीं पीसेंगे। प्याज को हम फोरन में डालेंगे। दोस्तों, क्या आप पोस्तू पनीर कभी बनाए हैं? अगर नहीं बनाए हैं तो एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा दोस्तों, और आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि हम कैसे पोस्तू पनीर बना रहे हैं। दोस्तों, पनीर बनाने का तो तरीका बहुत है, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। एक बार मेरे तरीक़ा से भी ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। चलिए हम सारे मसाला को हम पीस ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, मसाला हम पीस लिए, टमाटर और हरी मिर्च को पीस लिए, इसमें लहसुन अदरक और काजू और पोस्तू को हम एक साथ पीस लिए हैं। अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, पोस्तू पनीर बनाने के लिए हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई में हम 3 से 4 बड़ा चम्मच हम रिफाइंड तेल डाले हैं। आप चाहे तो सरसों तेल में भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो गया, इसमें हम जीरा का फोरन डालेंगे। देखिए जीरा जल गया है। अब हम इसमें देखिए प्याज को जो महीन महीन काट कर रखे थे हम डाल दे रहे हैं। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, प्याज गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया है। अब हम इसमें टमाटर को डाल रहे हैं। और ये देखिए मसाला, एक पोस्तू मसाला को हम डाल देंगे। देखिए दोस्तों, एक चम्मच हम नमक डाल रहे हैं और एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। और देखिए दोस्तों, एक चम्मच धनिया है और हाफ चम्मच जीरा गोल मिर्च का पाउडर, इसे भी हम डाल दे रहे हैं। मसाला को हम तब तक भूंजेंगे जब तक कि मसाला से तेल अलग ना होने लग जाए। देखिए दोस्तों, मसाला फ्राई हो गया है। देखिए मसाला से देखिए तेल अलग होने लग गया है। अब हम इसमें देखिए पनीर को हम डाल दे रहे हैं। दोस्तों, आप पनीर को चाहे तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं और बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं। फ्राई करने से थोड़ा कड़ा हो जाता है और बिना फ्राई का दोस्तों सॉफ्ट बनता है, इसलिए आप दोनों तरह से आप बना सकते हैं। अगर आप फ्राई करते हैं तो फ्राई करके उसको गर्म पानी में डाल दीजिएगा, वो सॉफ्ट रहेगा। अब दोनों तरीका से बनाइए, दोनों तरीका से भी कोई भी तरीका से बनाइएगा, स्वाद अच्छा ही लगेगा। देखिए दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। देखिए थोड़ा सा पानी और हम डाल दे रहे हैं और इसे हम 4 से 5 मिनट तक और हम पका लेंगे। और पानी आप अपने अनुसार से डालिएगा कि आप कितना गाढ़ा या पतला खाना पसंद करते हैं। इसे आप रोटी, पूरी, पराठा, नॉन किसी भी चीज़ के साथ खाइए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। ये फ्राइड राइस, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं।
दोस्तों आप पनीर तो बहुत बार बनाए होंगे, अगर आप पोस्तू पनीर नहीं बनाए होंगे तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। चलिए इसे हम तीन से चार मिनट तक के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पकने दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, तीन से चार मिनट हो गया। देखिए ग्रेवी भी गाढ़ा हो गया। आज हम ऐसा ही ग्रेवी को रखेंगे क्योंकि दोस्तों आज हम इसे रोटी के साथ खाने जा रहे हैं। और इसमें देखिए कसूरी मेथी डाल दे रहे हैं और हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे दोस्तों। ऐसे हम रोटी के साथ सर्व करेंगे। देखिए दोस्तों, पोस्तू पनीर को हम रोटी के साथ सर्व कर दिए हैं। आप रोटी पूरी पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाइए दोस्तों। ऐसे हम रोटी के साथ हम सर्व कर दिए हैं। देखिए दोस्तों, आप भी मेरे बताए हुए तरीके से पोस्तू पनीर, शाही पनीर, दोस्तों बहुत तरह से पनीर बनाकर खाए होंगे, लेकिन एक बार दोस्तों आप पोस्तू पनीर भी बनाकर खाइए। सभी का अपना अपना टेस्ट होता है, इसलिए दोस्तों एक बार मेरे द्वारा बताए गए तरीके से पोस्तू पनीर बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा बताया हुआ रेसिपी अच्छा लगेगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा कि पोस्तू पनीर कैसा लगा। अगर आपको मेरा बताया हुआ रेसिपी अच्छा लगेगा तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा दोस्तों कि मेरे द्वारा बताया गया रेसिपी कैसा लगा। हम फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों।